फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल माई लिटिल वर्ल्ड। और मैं हूँ मौश्री। तो अब तक तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि हम लोग बहुत जल्द एक वेकेशन पे जा रहे हैं और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और उसका तो पैकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि एक्चुअली में बहुत जल्द है वो। तो मैं मेरा पैकिंग कर रही थी मेरे कैरी ऑन बैग, तो मैंने सोचा कि उन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ व्हाट डू आई कैरी इन माई कैरी ऑन बैग, तो शायद आप लोग कुछ आइडिया मिल जाए और मैं क्या क्या शेयर करती हूँ, वो कैरी करती हूँ वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो चलिए मैं दिखाती हूँ। आई वुड बेसिकली प्रेफर टू कैरी एनी काइंड ऑफ बैक पैक्स लाइक दिस काइंड ऑफ बैग और दिस काइंड ऑफ लैपटॉप बैग्स। आई वुड बेसिकली प्रेफर टू कैरी दिस काइंड ऑफ बैग्स विथ मी, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं और वैसे अब अगर जब आप ट्रैवल करते हैं तो ड्यूटी फ्री में और नहीं तो एयरपोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे क्यूट क्यूट सामान मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें खरीद के बैग में रखने के लिए भी जगह चाहिए होता है। तो थोड़ा बड़ा वाला बैग अगर आप लेके आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बेटर है चीज़ों को रखने के लिए। तो एनीवेज चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे बैग में क्या क्या है। ये वाले बैग में आई एम कैरिंग दिस बैग दिस टाइम बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग एनी लैपटॉप और एक्चुअली लैपटॉप विथ मी, क्योंकि ये लेजर ट्रैवल है और मतलब हॉलीडेज में नो वर्क, सो इसलिए मैं कोई लैपटॉप बैग मैं लेके नहीं जा रही हूँ। और इसमें मैं बेसिकली जो सारे ब्लॉग की शूट होता है वो मैं अपने फ़ोन से करती हूँ, तो फ़ोन तो इसमें आ ही जाएगा बट ऑफकोर्स यार DSLR वगैरह कैमरा नहीं आएगा इसके अंदर, तो वो मेरे हस्बैंड कैरी करेंगे उनके जो बैग है बैकपैक में, तो इसलिए दिस इज़ एनफ फॉर मी वट एवर आई एम कैरिंग हियर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो फर्स्ट ये बाहर निकल के आ रहा है, ऑफकोर्स ये सेल्फी स्टिक है, इसका ऊपर का पोर्शन पे अभी मेरा फ़ोन को मैंने सेट किया है। सो एनीवेज, सो सेल्फी स्टिक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर लाइक अ लवर टू टेक फोटोज एंड ऑल, तो सेल्फी स्टिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड देन ऑफकोर्स फोन एंड देन चार्जर। फोन लेके जा रहे तो चार्जर तो मस्ट। एंड देन माई पर्स, इसके अंदर पैसे होता है, कार्ड्स होते हैं, घर के की सारे मैं मेरे ये वाले पर्स में ही रहते हैं। नेक्स्ट आई ये है ईयरफोन। आई प्रेफर टू कैरी माई ईयरफोन इन दिस काइंड ऑफ स्मॉल पाउच, क्योंकि ईयरफोन बहुत जल्द सारी चीज़ों के साथ टैंगल हो जाते हैं, तो और उसको मतलब ऐसे ठीक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू कैरी ईयरफोन इन दिस स्मॉल पाउच। सो ऑफकोर्स माई ईयरफोन एंड नेक्स्ट इन दिस आई एम कैरिंग माई पासपोर्ट एंड ऑल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इन दिस काइंड ऑफ स्मॉल पाउच। तो उसमें क्या होता है ना, चीज़ें मतलब कोई पानी वगैरह लग के ख़राब होने की कोई चांस नहीं रहता है और कोई दूसरे चीज़ों के साथ लग के टियर होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू कैरी योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स और एनी अदर थिंग इन अनदर स्मॉल पाउच और समथिंग और फाइल वाट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, तो चीज़ें अच्छे रहते हैं और वो टियर होने का चांसेस भी नहीं रहता है। एंड नेक्स्ट यस बुक तो ऐसे मस्ट कैरी करने के लिए मस्ट है, क्योंकि मतलब टाइम एयरप्लेन में चढ़ के और एयरपोर्ट में भी टाइम पास करने के लिए बुक तो चाहिए होता है। वैसे मैं जब कैलकटा से आती हूँ तो मेरे बैग में बहुत सारे बंगाली मैगजीन्स रहते हैं और एक्चुअली वो पढ़ते पढ़ते टाइम पास हो ही जाता है। तो एनीवेज आई एम रीडिंग दिस बुक, क्योंकि वो सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। तो ये वाला नेक्स्ट इज वन नोटबुक एंड अ पेन। देर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न टू कैरी दिस वन, कोई भी कुछ लिखना है, कई जगह के बारे में कुछ पता चला, ऑफकोर्स वी कैन राइट डाउन इन माई इन आवर फोन, बट एक्चुअली आई प्रेफर टू राइट इन नोटबुक्स। मुझे नोटबुक्स में लिखना, हैंड राइट करना मुझे बहुत पसंद है,
और पेन तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना हो एयरपोर्ट पे कुछ और काम के लिए, तो पेन ऑफकोर्स. नेक्स्ट इज वाटर बॉटल. वैसे एयरपोर्ट में तो पानी दे डोंट अलाउ टू कैरी वाटर, बट एक बार आप चेक इन करने के बाद यू कैन ऑफकोर्स यू कैन टेक वाटर फ्रॉम इनसाइड, यू कैन बाई ऑफकोर्स देर इज़ अ ऑप्शन टू बाई, बट कोई इमरजेंसी हो कुछ हो अपने पास पानी रहना खरीदने से बेटर है दैट यू कैरी वन बॉटल और उसमें कुछ पानी भर लीजिए आप एयरपोर्ट में चेक इन होने के बाद, तो इट्स लाइक ए सेफ्टी काइंड ऑफ थिंग आपके पास होगा. और एंड आप अगर बहुत पानी पीते हैं तो दिस काइंड ऑफ स्मॉल दिस इज़ अ स्मॉल बॉटल ऑफ फूड्स, बट एटलीस्ट खुद के पास होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि एयरपोर्ट में ना बहुत महंगे होते हैं पानी सच्ची में. सनग्लास, दिस इज माई सनग्लास. नेक्स्ट है ये वाला एक पतला सा चादर, आप इसको ओढ़ के कभी कभी एयरपोर्ट में बहुत ठंड होते हैं कोई मतलब स्पेशली मुझे केएल मलेशिया जो एयरपोर्ट है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ठंड लगता है मुझे उसमें, तो आई ऑलवेज प्रेफर टू कैरी दिस काइंड ऑफ चादर विथ मी. इसको ओढ़ के ऐसे बैठ जाओ, और जैकेट वगैरह लेने में बहुत जगह लग जाते हैं, ये पतला है और बहुत गर्मी भी अच्छी खासी गर्मी होती है इससे और जगह भी नहीं लगता इसमें, तो इट्स ऑलवेज गुड यू कैरी एनी लाइक जैसे पतला वाला चादर जिससे गर्मी भी होते हैं और ठंड भी नहीं लगता और अपना काम भी हो जाते हैं और जगह भी ज़्यादा नहीं लेते, ऐसा वाला चीज़ है ऑलवेज यू बेटर टू कैरी विथ यू. नेक्स्ट थिंग इज मेरी पर्सनल फेवरेट है ये, इफ़ यू आर अ मंचिंग पर्सन लाइक मी देन डोंट फॉरगेट टू कैरी सम हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स. इससे क्या होता है ना, आपको कुछ भी मंच करने का मन करे तो आप ऐसे एयरपोर्ट से कुछ भी स्नैक्स वगैरह खरीदने से बेटर है जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड मंच. क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी होते हैं और लाइक टेस्टी भी होते हैं. तो अभी तो ऑलमोस्ट मेरा चीज़ें ख़त्म हो गया है, मैं इतना ही लेके चलती हूँ. तो नेक्स्ट जो चीज़ है और दो ही चीज़ बाकी है, नेक्स्ट है ये पाउच. इसके अंदर क्या क्या है मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को. वैसे मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ बट कुछ नेसेसरी सामान है इसके अंदर, ट्रैवल के टाइम पे बहुत ज़रूरी होते हैं. वेट वाइप्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि कभी कभी बहुत स्किन ड्राई लगने लगे कुछ हुआ तो वेट वाइप्स से आप थोड़ा स्किन को क्लीन कर सकते हैं. कोम, वन लिपस्टिक एंड वन लिप बम, देन दिस इज वन रबर बैंड, हैंड सैनिटाइजर एंड दिस इज वन माउथ फ्रेशनर. ये है पिपरमिंट के फ्लेवर में, फ्लेवर वेरिएंट शायद पिपरमिंट, और भी बहुत सारे मिलते हैं. और ये अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको कोई च्युइंग गम कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसको फेंकने के लिए फिर टिश्यू चाहिए और बहुत कुछ सामान होते हैं कहाँ पे फेंकूँ, तो बेटर यू कैरी दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एयरपोर्ट में 200 ml तक मतलब यू इन कैरी ऑन बैग में आप 200 ml तक लिक्विड कैरी कर सकते हैं, आई गेस तो 200 या फिर 200 ml तक. तो ये तो है 15 ml, यू जस्ट चेक वंस बिकॉज ये है 15 ml, तो आप इतने साइज के चीज़ें या फिर दिस वन दिस इज 50 ml, तो इतने साइज के लिक्विड्स आप कैरी कर सकते हैं कैरी ऑन बैग में, सो बेटर यू कैरी दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद यू. तो जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जो मेरे लिए अभी जो मैं अभी स्टार्ट कर मतलब आई हैव स्टार्टेड डूइंग ब्लॉगिंग एंड ऑल यूट्यूब वीडियोज, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी नाउ अ डेज टू कैरी ए वन गोरिल्ला ट्राइपॉड विथ मी, सो ऑफकोर्स दिस वन. टू मेंशन इज माई नेक पिलो, एक्चुअली इट डजेंट कम इन साइड माई बैग सो दैट्स वाई मेंशन, बट ऑब्वियसली आई कैरी इट विथ मी विथ माई कैरी ऑन. सो या नेक पिलो. तो इतना ही सारी सामान है, इतने सारी चीज़ें मैं अपने साथ कैरी करती हूँ,
तो क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे चाहिए होता है ड्यूरिंग माई ट्रैवल, तो इसके ये दैट्स वाई आई कैरी ऑल दिस थिंग्स विथ मी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा आप क्या क्या कैरी करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं कैरी करती हूँ उसके साथ और भी कुछ अगर आप कैरी करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सा वीडियोज़ आने वाले हैं बहुत जल्द, येस ऑफ कोर्स माई ट्रैवल ब्लॉग, तो उसके लिए स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।